एप्पल जैम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एप्पल लिया हुआ है, सेब लिया हुआ है। हम इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे और फिर उसके बाद से हम इसके छिलके को हटा देंगे। तो देखिए मैंने इसे के छिलके को हटा दिया हुआ है और फिर हम इसे कट कर कर इसका अंदर का बीज अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसके छिलके को ना हटाएं, लेकिन मैंने हटा दिया हुआ है और फिर हम इसके बीज को निकाल देंगे और निकालने के बाद हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। तो देखिए फिर उसके बाद से हम इसे मिक्सी जार में इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया हुआ है और अब हम क्या करेंगे, अब हम गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे और हम उसमें ऑयल नहीं डालेंगे, हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने इसमें पानी थोड़े से लिया हुआ है बिल्कुल। और फिर उसके बाद से हमने जो हमने ग्राइंड किया हुआ था एप्पल को हम उसे डाल देंगे जब थोड़ी पानी हमारा गर्म हो जाए। तो फिर देखिए हम इसे डाल दिए हैं। डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे। आप लोग इसे वीडियो को पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। तो फिर देखिए हमने इसे डाल दिया हुआ है, अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से हम इसे चलाएंगे, चला चला कर हम पकाएंगे। तो देखिए अब हमारा ये पकना स्टार्ट हो चुका है, हम इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से पकाएंगे और फिर उसके बाद से हम इसे ढक देंगे। ढकने के बाद 10 मिनट बाद मैंने इसे हटाया हुआ है। तो देखिए मेरा लगभग अच्छे तरीके से बस पक ही चुका है। अब हम इसे लगातार चलाएंगे बिल्कुल। इसे हमने कम से कम 10 मिनट तक मैंने चलाया हुआ है लगातार। और फिर जब हमारा थोड़े से मतलब अच्छे तरीके से पक जाए, पूरे नहीं मतलब हल्के हल्के से, तो फिर उसके बाद से हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, चीनी ऐड करेंगे। चीनी डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से चलाएंगे और फिर जब हम लोग चीनी ऐड करेंगे तो थोड़ा हम लोग का जो है ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, जो हमने जैम बनाने के लिए लिया हुआ है डाला हुआ था। तो देखिए एकदम पतला हो चुका है ये चीनी की वजह से, क्योंकि वो पिघल जाता है। तो फिर हम इसे थोड़े से फ्लेम को थोड़ा सा तेज करेंगे हल्का सा और फिर हम इसे अच्छे तरीके से चला चला कर पकाएंगे और फिर हम मीडियम कर देंगे इसको। तो देखिए अब हमारा बिल्कुल अब ये अच्छे तरीके से पक चुका है और हम इसमें डालेंगे लेमन नींबू। नींबू डालने के बाद हम इसे फिर से वापस से चलाएंगे और फिर हम इसमें डालेंगे फ्रूट कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं या नहीं। मैंने इसे बिल्कुल जैम की तरह, किसान जैम की तरह दिखने के लिए मैंने फ्रूट कलर का इस्तेमाल किया हुआ है। और देखिए हमारा बन गया ना बिल्कुल किसान जैम की तरह। तो फिर इसके बाद से हम इसे एक कंटेनर में रख लेंगे। हम इसे रखने के बाद हम इसे फ्रीज कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे कंटेनर में रख लिया हुआ है, अब हम इसे फ्रीज में रख देंगे। और फिर देखिए फ्रीज में रखने के बाद 10 मिनट बाद, तो देखिए हमारा कुछ ऐसे हो गया है। अब हम आपको इसे ब्रेड में निकाल कर लगा कर दिखाते हैं। तो मैंने ब्रेड स्लाइस ले लिया हुआ है, देखिए बिल्कुल एकदम किसान जैम की तरह बिल्कुल लग रहा है और बिल्कुल वैसा ही टेस्ट भी है इसका। तो चलिए हम इसे लगा कर दिखाते हैं। तो देखिए हम इसे लगा रहे हैं। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा बनाने के लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से ये बन भी जाता है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एकदम हो चुका है। हम इसे अब कट करके भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो मैंने नाइफ की मदद से हम इसे कट कर लेंगे। आप चाहे तो बच्चों के टिफिन में, नाश्ते में आप इसे ज़रूर खा सकते हैं। तो मेरा अब ये जैम बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और ये देखिए मैंने इसे प्लेट में भी ऐसे भी मैंने इस चम्मच की मदद से भी ऐसे करके दिखाया हुआ है।
बिल्कुल अच्छा टेक्सचर है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।